पिछले क्लास में हमने सीखा था विविधताओं का देश भारत कविता, इसके बारे में मैंने प्रश्न उत्तर ओरल पूछ लिया था। तो अभी मैं प्रश्न उत्तर यहाँ पे लिख कर बताऊंगी, उसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। जैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के पहला प्रश्न है, भारत के लोगों को किस बात का अभिमान है। पिछले क्लास में आपने उत्तर दिया था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहने का अभिमान है। चलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी, वैसे ही आपको अपने क्लास वर्क में उतारना है। पहला उत्तर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहने का अभिमान। दूसरा प्रश्न है, भारत देश की क्या बात सबके मन को लुभाती है। उत्तर है, विविध बोलियां भाषाएं सबके मन को लुभाती है। दूसरा उत्तर है, सबके मन को लुभाती है। ठीक है। तीसरा प्रश्न, भारत के दक्षिण में कन्याकुमारी स्थित है, ठीक है। तो हो गया तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न, भारत के पश्चिम में अरब सागर की भागीदारी। पांचवा उत्तर, भारत देश की शोभा भारत देश की शोभा
पकवानों से लोक नृत्य लोक नृत्य से क्या हो गया पांचों प्रश्नों का उत्तर। अभी जो है कविता की पंक्तियों को पूर्ति कीजिए, कविता को कंप्लीट द लाइंस ऑफ द पोयम। तो अभी क्या करना है, हिमालय विशाल खड़ा उत्तर में, दक्षिण में कन्याकुमारी है, बंगाल में खड़ी पूरब, पश्चिम में अरब की भागीदारी है। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ थर्ड पैरा जो है अपने क्लासवर्क में लिखना है, थर्ड पैरा अपने क्लासवर्क में पूरा लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सही उत्तर पर सही और गलत चिन्ह लगाइए, ठीक है, मेक द करेक्ट एंड इनकरेक्ट सेंटेंसेस। भारत में सिर्फ हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, इज दैट करेक्ट? नो, इट इज अ रॉन्ग, फर्स्ट वन इज रॉन्ग, ठीक है। भारत में अनेक बोलियां व भाषाएं हैं, इज दैट करेक्ट? यस, इट इज अ करेक्ट। नाउ थर्ड, भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है, भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है, इज दैट करेक्ट? यस, इट इज अ करेक्ट। भारत के उत्तर में अरब सागर है, भारत के उत्तर में अरब सागर है? नहीं, भारत के पश्चिम में अरब सागर है। तो यहाँ पे फोर्थ वन है वो जो है गलत, ठीक है। और पांचवा वाला जो है, भारत में विविध प्रकार के पकवान बनते हैं, इज दैट करेक्ट? आई टोल्ड द आंसर, भारत के देश की शोभा विविध पकवान और लोक नृत्य से बढ़ती है, तो भारत में विविध तरह के पकवान बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे सही है, ठीक है। ये हो गया सही उत्तर पर सही चिन्ह लगाना और गलत उत्तर पर गलत चिन्ह लगाना। अभी जो है शब्द, शुद्ध शब्द के सामने स्माइली बनाइए, शुद्ध शब्द के सामने स्माइली बनाना है, ठीक है। यहाँ पे मुस्लिम इज द करेक्ट वर्ड, जस्ट सी, डू वन थिंग, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर फोर, आपको क्या करना है, ड्रॉ स्माइली अगेंस्ट द करेक्ट वर्ड, सो यू शुड डू होमवर्क इन योर क्लासवर्क एंड इन योर टेक्स्ट बुक, दिस इज योर होमवर्क, ओके, डू इट स्माइली, आपको स्माइली बनाना है, जो शब्द शुद्ध और करेक्ट है उसके सामने स्माइली बनाना है, जो नहीं है उसको ऐसे ये वाला डालना है। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम सीखेंगे निम्न शब्दों के वाक्यों में प्रयोग करना कैसे किया जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप यहाँ तक अपने क्लास वर्क में कंप्लीट कर दीजिए, धन्यवाद।